কেমন আছেন? চার বছর আগে আমি এখানে আসলিছিলাম, কিন্তু আজকের এই দৃশ্য দেখে আমার ভালো আছে। মানে সবসে পহলে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী কো শত শত প্রণাম করতা হুম। শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুর জি কো প্রণাম করতা হুম। শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর কো প্রণাম করতা হুম। শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব জি কো প্রণাম করতা হুম। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কো প্রণাম করতা হুম। মঞ্চ পর বিরাজমান ভারতীয় জনতা পার্টি কে প্রদেশ অধ্যক্ষ শ্রীমান বিপ্লব কুমার দেব, অসম সরকার মে মন্ত্রী শ্রীমান হেমন্ত শর্মা জি, শ্রীমান রাজুজি ভট্টাচার্য জি, শ্রীমান দিলীপ কুমার দাস, শ্রীমান ধীরেন্দ্র বর্মা জি, মোহনপুর সে ভাজপা উমেদার শ্রীমান রতনলাল নাথ, আগরতলা সে শ্রীমান সুদীপ রায় বর্মন, টাউন বরদৌলি সে শ্রীমান আশিস কুমার শাহ, আসাম বাড়ি সে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা কে আমার উমেদার শ্রীমান মৈলা কুমার জমাথিয়া, তেলিয়া মোড়া সে শ্রীমান সুশীল কল্যাণী রায়, কমসাওয়াদা সে শ্রীমান অরুণ কান্তি ভৌমিক, সূর্যহরিনগর সে শ্রীমান রামপ্রসাদ পাল,
बदागार से श्रीमान दिलीप सरकार, रामनगर से श्रीमान सुरवीर दत्ता, बरजाला से डॉक्टर दिलीप कुमार दास, विशाखगढ़ से श्रीमान नितिन चौधरी, खोवई से श्रीमान अमित द्रक्षित, कल्याणपुर से श्रीमान अतुल देव वर्मा, प्रतापगढ़ से सुश्री रेट्टी मोहनदास, बमुतिया से श्रीमान कृष्णधन दास, मजलिसपुर से श्रीमान सुशांता चौधरी, कैयरपुर से श्रीमान रतन चक्रवर्ती, आज विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कर लिया। सबसे पहले मैं त्रिपुरा वासियों की क्षमा मांगना चाहता हूं। हेलीपैड से यहां तक इतनी जबरदस्त भीड़ थी, हम कभी कभी ह्यूमन चेन के संबंध में सुनते हैं, लेकिन मैं आज मजबूत ह्यूमन वॉल लेकर के आया हूं। मुझे, मैं मानता हूं, जो मैंने देखा, जो मैंने नहीं देखा वो तो अलग। इस स्टेडियम में जितने लोग हैं उससे चार गुना लोग बाहर हैं। मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं, ये मैदान छोटा पड़ गया, दरवाजे बंद करने पड़े, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया, और इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों का, अगर कला के मेरे भाई बहनों का हृदय पूर्वक उनकी क्षमा मांगता हूं। हमारी कल्पना से बाहर लोग आ पड़े, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको जो असुविधा हुई, इस मैदान में आप पहुंच नहीं पाए और बहुत बहुत बड़ी भीड़ है, मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूं, और मैं अगरतला के लोगों का आदरपूर्वक धन्यवाद भी करता हूं कि इसके बावजूद भी आपने डिसिप्लिन बनाए रखी है, आपने अनुशासन को बनाए रखा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले त्रिपुरा के महाराजा रहे वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी को, उनकी महान परंपरा को, उनके महान कार्यों को, त्रिपुरा को बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसको, उन सभी श्रेष्ठ कामों को आज मैं नमन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मेरी बात का प्रारंभ करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, दो दशक से भी ज्यादा समय से त्रिपुरा में वामदल, कम्युनिस्ट, लाल झंडा, इसी का राज चला। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं,
जनता जनार्दन के कल्याण के लिए। लोकतंत्र में लोग सरकार चुनते हैं, जनता की सुनवाई हो इसलिए। भाई बहनों, लेकिन 20-25 साल होने आए, क्या कोई त्रिपुरा का वासी ये कह सकता है कि त्रिपुरा के अंदर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है? ऐसी कोई बात कोई बता सकता है? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि अभी अभी अगरतला में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल लगाए नहीं? हाँ, अब इसको वो बड़ा काम मानते हैं। हाँ, वो पर्दा ऊपर कर दीजिए। थैंक यू भैया। शायद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री को त्रिपुरा की धरती पर इतने आशीर्वाद नहीं मिले होंगे, इतना प्यार नहीं मिला होगा जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। सारे पर्दे खोल देने पड़ रहे हैं, लोग वहां ऊपर छत पे अटारी पे खड़े हैं। भाई बहनों, यहां पर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। अब ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा, आप कितनी ही तेज गति से जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जल्दी जल्दी जाना चाहते हो, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट है तो आप जा नहीं सकते, रुक जाते हैं। आपकी गति रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? आपको खड़े रहना पड़ता है, नहीं खड़े रहना पड़ता? जब तक लाल लाइट है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये त्रिपुरा में भी जब तक ये लाल रंग पड़ा है, त्रिपुरा को रुकना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ता। और इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर की लाल लाइट जैसे आपकी गति को रोक देती है, वैसे ही ये त्रिपुरा की वाम दल की लाल झंडे वाली सरकार पूरे त्रिपुरा के विकास को रोक करके बैठी हुई है। ये तब जाकर के ठीक होगा जब ये दो कलर की लाइट आएगी, तब जाकर के विकास की गति बढ़ेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे इस चुनाव को मैंने देखा बारीकी से, देखा, ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं भाइयों, ये प्यार कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। ऐसा प्यार किसी के नसीब नहीं होता है जो ये अगरतला मुझे आज दे रहा है। और मैं भी आपको बताता हूं, ये प्यार को मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा, ये आपको विश्वास है। जो आप मुझे दे रहे हैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा,
विकास करके लौटाऊंगा, त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर के लौटाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। आइए बहनों, आज साम्यवादी बिरादरों से कहना चाहता हूं, 20 साल तक पोलिंग बूथ लूट लूट करके आप सरकारें बनाते रहे, आप निर्दोष मतदाताओं को डरा धमका करके चुनाव जीतते रहे हो, लेकिन ये समझ लो वो 20 साल तक थे जब मोदी दिल्ली में नहीं बैठा था। और मैं कम्युनिस्ट बिरादरों से कहना चाहता हूं, वे समझ रहे हैं 3 तारीख को नतीजे हैं, 3 मार्च को नतीजे आएंगे, 3 तारीख के बाद कम्युनिस्टों का त्रिपुरा की धरती पर नामो निशान नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी और जिन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया होगा, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया होगा, जिन्होंने मतदाताओं को परेशान किया होगा, उन सबका कानून हिसाब लेके रहेगा। कानून किसी को छोड़ेगा नहीं, ये आप कान खोल करके सुन लीजिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी आशा करता हूं और मेरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन हिंसा की राजनीति करने वाले वाम दलों की सरकार ने त्रिपुरा के चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में होगा, ये मेरा विश्वास है। और इलेक्शन कमीशन की कसौटी भी जहां वाम दल के लोग होते हैं वही होती है, बाकी जगह पे तो शांति से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव होते हैं, लेकिन जहां वाम दल होता है वे मत लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आप देखिए पिछले 1 साल हमारे 10 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया, अभी पिछले हफ्ते हमारा मधुसूदन दे एक गांव का गरीब मां का बेटा, एक बूथ का कार्यकर्ता, उसको मौत के घाट उतार दिया। अरे मेरे बूथ के कार्यकर्ता से तुम इतने कांपते हो तो आज तो पूरा त्रिपुरा जग चुका है, तुम कहां बचते हो, तुम कहां बच पाओगे, कोई अब तुम्हें बचा नहीं पा सकता है। और तुम्हारा खेल इसलिए चल रहा था कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार तुम पर उसकी कृपा रहती थी, उनकी मेहरबानी रहती थी, क्योंकि दिल्ली में तुम्हारे बिना उनकी सरकार चलती नहीं थी और तुम उसकी कीमत मांगते रहते थे और हिंसा की राजनीति करते रहते थे। आप मुझे बताइए, यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का ड्रामा कर रही है, अगर तला के लोग पढ़े लिखे क्या इतना हम नहीं समझते क्या कि दिल्ली में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की दोस्ती और त्रिपुरा में कुश्ती। आप दिल्ली में तो दोस्ती करते हो और त्रिपुरा में नुरा कुश्ती करते हो, वो WFF आता है ना ऐसा ही, ये दो अलग नहीं है,
ये कांग्रेस पार्टी और वाम दल ये अलग अलग इसलिए खड़े हैं कि एक दूसरे की मदद हो जाए। ये दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है, वे नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार में आ रहा है क्या? क्योंकि उनका सौदा हुआ है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, कांग्रेस और वाम दल ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। दिल्ली में सरकार चली, कांग्रेस और वाम दल मिलकर के चलाई। कांग्रेस भ्रष्टाचार में माहिर और वाम दल भ्रष्टाचार और हिंसा में भी माहिर। और इसलिए त्रिपुरा का भाग्य बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहां पर भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाइए। सिर्फ सरकार बनाने वाले ऐसा नहीं, सरकार तो आपने बनाना तय कर लिया है, आज राष्ट्र भर मैंने देख लिया है। और जैसे ही 18 तारीख को मतदान हो जाएगा, जरा ध्यान रखिए, यहां से कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर में से फाइलें इधर उधर करती नजर आए तो वीडियो मोबाइल फोन पर फोटो निकाल दीजिए, आप देख लेना। 18 तारीख के बाद शाम से ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सरकार में दफ्तर में से फाइलें गुम करना शुरू कर देंगे। आप लोग मोबाइल फोन पे तस्वीर लेते रहिए, कुछ भी चलता है दफ्तर में फोटो निकालिए। और मैं तो सरकार के मुलाजिम को भी कहना चाहता हूं, ये त्रिपुरा को बर्बाद मत होने दीजिए, एक भी फाइल हटने मत दीजिए। 3 तारीख को नतीजा आएगा, 2-5-7 दिन में सरकार बन जाएगी और मैं फिर भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में आपके बीच आ जाऊंगा। चुनाव हमारा गणतंत्र, हम सब के लिए आशा और अरमान लेकर के आया हूं। हमारा गणतंत्र जनता की आवाज की बुलंदी का प्रतीक होता है, लेकिन कांग्रेसों ने गणतंत्र को गणतंत्र बना दिया है, गणतंत्र बना दिया है। भाइयों बहनों, त्रिपुरा को गणतंत्र से मुक्ति दिला करके गणतंत्र प्रस्थापित करना इस चुनाव में बहुत आवश्यक है। और इसलिए भारी मात्रा में मतदान करके ये कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं दिल्ली में हमारे पत्रकार आलम को क्या हो गया है। 2 पत्रकारों को यहां मौत के घाट उतार दिया गया, राजनीतिक हत्या की गई। वो पत्रकार का यही गुनाह था कि वो सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठाता था, जनता के मुद्दों को उठाता था, सरकार की पोल खोलता था। और इसलिए ये कम्युनिस्ट सरकार में 2 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद जिन जिन लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है और
और जिन पत्रकारों की हत्या हुई है, हम उच्च स्तरीय जांच तुरंत बिठाएंगे और गुनहगारों को सजा दिला करके रहेंगे। पत्रकार का विरोध हो सकता है, हमारी आलोचना कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पत्रकार को मौत के घाट उतारोगे। और इसलिए मेरे भाई बहनों, हर किसी को हिंसा का, इस जुल्म का, एक गणतंत्र का, एक लोकतंत्र को तबाह करने वाली सरकार का 18 तारीख को जवाब मांगना है। और मैं चाहूंगा उन वीर पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का मौका आया है। 10 से अधिक वीर मधुसूदन जैसे मेरे साथी मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका आया है। और श्रद्धांजलि देने का उत्तम तरीका है 18 तारीख को पोलिंग बूथ में जाकर के पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दलों को निशान पर बटन दबा करके इन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, उनका पुण्य स्मरण कीजिए। ये लोकतंत्र के लिए उन्होंने शहादत मोल ली है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है कि उनको केंद्र से पैसे मिलते हैं, लेकिन उनको वो पैसों का खर्च करना भी कि फुर्सत नहीं। और ऐसा झूठ चलाते हैं, आज त्रिपुरा में अगर 100 रुपये का खर्च होता है, 80 रुपया दिल्ली से आता है। अगर 1000 रुपया खर्च होता है तो 800 रुपया दिल्ली से आता है। अगर 1,00,000 रुपया खर्चा होता है तो 80,000 रुपया दिल्ली से आता है। 1,00,00,000 का खर्च होता है तो 80,00,000 दिल्ली से आता है। सारे पैसे 80% राशि भारत सरकार भेजती है, लेकिन त्रिपुरा में एक पाई का काम नजर नहीं आता है और पैसे चले जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? भाइयों बहनों, भारत सरकार के द्वारा ग्राम सड़क योजना के लिए 988 करीब 1,000 करोड़ रुपया, गांवों में सड़क के लिए भारत सरकार ने उनको दिए। आप हैरान होंगे, इतना समय हो गया, 650 करोड़ रुपयों के सिर्फ काम अभी शुरू हुए हैं। पूरे होंगे तब 650 करोड़ लगेगा और 2 साल के बाद भी ग्रामीण सड़क के 150 करोड़ रुपया ऐसे ही बंडल के बंडल त्रिपुरा में पड़े हुए हैं। ये पैसे जनता के है कि नहीं है? ये पैसों का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समय पर सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? त्रिपुरा के गांव वासियों को सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली पैसा दे और आप पैसों को वैसे ही दर्शन करते रहे सुबह शाम? भाइयों बहनों, केंद्र सरकार ने नॉन नेप्सेबल सेंट्रल पूल के तहत त्रिपुरा को 4 साल में 242 करोड़ रुपया दिया। 242 करोड़ में से उन्होंने अभी भी उन कामों का पूरा नहीं किया है और 60 करोड़ रुपया तो अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है।
आप मुझे बताइए भाइयों, कोई हमें कहे ये रोज वैली फंड, ये क्या था रोज वैली फंड भाई, ये क्या था रोज वैली फंड, कहीं रोज नजर आया क्या? गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? और माणिक सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगे कि नहीं लगे? ये रोज वैली फंड में पैसे लूटने वाले वो थे कि नहीं थे? ये गरीबों के पैसे लूटे गए कि नहीं लूटे गए? गरीबों की मेहनत के पैसे चिट फंड के नाम पर लूट लिए गए, अनेकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और ये सरकार उसकी जांच को भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके मंत्री उसमें जुड़े हुए आरोप लगे, लेकिन उन मंत्रियों का भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिनका पैसा गया है वो वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिन परिवारों के लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आई, उन परिवारों को आदर करते हुए ऐसी सरकार को बिदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और इसलिए मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज मैं अगरतला की धरती से पूरे त्रिपुरा को आह्वान करने आया हूं कि आप 18 तारीख त्रिपुरा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। 18 तारीख को आप एक ऐसी सरकार चुनोगे जो पिछले 20 साल का जो गड्ढा है ना, उसको भी ठीक कर करके आपको दिखाएंगे और त्रिपुरा को आगे लेके जाएंगे। आप मुझे बताइए, इतना छोटा सा राज्य और शिक्षा का जो दुर्दशा है, भारत का जो एवरेज ड्रॉप आउट है उससे भी त्रिपुरा का ड्रॉप आउट ज्यादा है। आप मुझे बताइए, 10,323 करीब 11,000 इन टीचरों की जिंदगी बर्बाद किसने की? इन टीचरों को बर्बाद करने का पाप किसने किया? शिक्षा को बर्बाद किया, टीचरों की जिंदगी बर्बाद की, और माणिक सरकार हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई, कोई न कोई लेना कहीं ले जाना, इस प्रकार का भाव। भाई बहनों, ये शिक्षा के साथ उन्होंने किया हुआ आपराधिक कृत्य है, और इसलिए ऐसी सरकार जो कतई कतई यहां पर जितनी दिन ज्यादा रहेगी त्रिपुरा के विकास को वो लाल रंग परेशान करता रहेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, तो आइए हम लोग विकास की ऊंचाइयों को पार करने के लिए आगे बढ़े। ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जब रोज वाली चिटफंड घोटाला हुआ, 14 लाख गरीब परिवार से जुड़ गए, कोई न्याय नहीं मिला। विशालगढ़ ब्लॉक का घोटाला, सीपीएम के ही एक नेता के ऊपर आरोप लगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के करीब थे और उसके कारण विशालगढ़ ब्लॉक घोटाला को फाइलों में बंद कर दिया। भाइयों बहनों, ये सब खुलने वाला है, ये माणिक सरकार के निकट थे इसलिए उनको बचा लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसमें भी पैसों की हेराफेरी, बीमार व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने भेजे हुए पैसे, गरीब को अरे पड़ोसी भी अगर गरीब बीमार है पैसे नहीं है तो जेब से पैसे देकर के उसकी मदद करता है। ये कम्युनिस्ट ऐसे हैं कि गरीबों की दवाई के पैसों को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, पेचारथर ब्लॉक घोटाला, मनरेगा के अंदर गरीब मजदूरों का पैसा खा लिया गया, कागज पे मनरेगा, कागज पे मजदूर, कागज पे पैसे, कागज पे गड्ढा। और मैंने तो सुना है कि इन्होंने मनरेगा का जो हिसाब बताते हैं
कि हमने इतना काम किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों के गड्ढे करे। ये गड्ढे इतने किए हैं इन्होंने, इतने किए हैं कि उन गड्ढों का टोटल लगाओ तो त्रिपुरा की जो पूरा क्षेत्रफल है उससे ज्यादा बड़ा गड्ढा उन्होंने किया। अगर उनकी बात में सच मानो तो ये स्टेडियम भी गड्ढे में होता। अगर उनकी बात सच मानो तो माणिक सरकार का घर भी गड्ढे में होता। कैसे लूटा है भाइयों, कैसे लूटा है। और इसलिए जिस प्रकार से, और मैं आपको बताता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है, हमने मनरेगा को इतने उत्तम तरीके से लागू किया है, जिसका हक है उसको रोजगार दिया है, और इतना ही नहीं जो काम हुआ है उसको जियो टैगिंग किया है, और उसके कारण कहां काम हो रहा है उसका टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका पूरा जानकारी रहती है। ये कम्युनिस्ट लोग हमने, वो कहते हैं तालाब खोदा, हमने कहा भाई तो तालाब का जरा टैगिंग करो, टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। लाल पीले हो गए। अगर ये मोदी मांगेगा और सैटेलाइट से फोटो निकालेगा तो सारी पोल खुल जाएगी। वो तो बौखला गए, तिल मिला गए, उनको मंजूर नहीं है टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार का रास्ता मंजूर है भाइयों बहनों। और इसलिए अब आप मुझे बताइए, देश के किसी भी कोने में अगर ये लाल झंडे वालों का यूनियन बन गया, आप लिख करके रखिए, मजदूरों के हक के नाम पर, वेतन के नाम पर 6 महीने के भीतर भीतर उस कारखाने को ताले लगवा देते हैं, लाल झंडा लेकर के बैठ जाते हैं, कोई कारखाना नहीं चल देते, सरकारी दफ्तर नहीं चलने देते। क्यों? वेतन के लिए मांग करेंगे। पूरे देश में तो वेतन के नाम पर हो हल्ला करते हैं। भारत सरकार जब वेतन के लिए कमेटी बनाती है तो सभी मजदूर यूनियन को बैठाती है, उसमें कम्युनिस्ट मजदूर यूनियन भी होते हैं, उसमें मिनिमम वेज मजदूर यूनियनों के साथ बैठ करके तय होते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में आकर के तो रोजगार के नाम पर नारा देते हो, वेतन के नाम पर लाल झंडे लेकर के जुलूस निकालते हो, क्या कारण है 20 साल हो गए त्रिपुरा के मजदूरों को मिनिमम वेजिंग क्यों नहीं दिया जाता है? जवाब दो। आप मुझे बताइए, यहां पर काम करने वालों को मिनिमम वेजिंग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये नहीं दे रहे उनको, मजदूरों और गरीबों की बात करने का हक नहीं है। आप हिंसा का तो मार्ग अपनाते हो, लेकिन ये दोगलापन भी आपका दिखता है। दिल्ली में तो जुलूस निकालते हो, मुंबई के अंदर कारखाने बंद करवा देते हो, और त्रिपुरा के अंदर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश को बधाई देता हूं, ये अभिनंदन के अधिकारी है। और मैं बताता हूं, इस बार त्रिपुरा में जो सरकार भाजपा की बनेगी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की सरकार होगी। आप देखना, सारे हमारे विधायक नौजवान हैं, सारे विधायक नौजवान खड़े किए हमने। देश की सबसे कम उम्र वाली सरकार त्रिपुरा में त्रिपुरा की जनता बना के रहेगी, और हम काम करके देखेंगे। मैं त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के गरीबों को, मजदूरों को मिनिमम वेजिस दिया जाएगा। भाई जो बहनों, आप मुझे बताइए, ये कर्मचारियों के नाम पर हड़ताल करने वाले, संगठन चलाने वाले, सरकार पे कमीशन क्यों बनाती है? पे कमीशन बैठ करके महीनों भर मेहनत करती है, देश के सभी यूनियनों को सुनती है, संगठनों को सुनती है, सरकारों को सुनती है, अर्थशास्त्रियों से चर्चा करती है, और बाद में पे कमीशन मुलाजिम के पगार तय करती है।
और हमारे देश में अब तक 7 पगार पंच हुए हैं, 7 पे कमीशन हुए हैं और 7 पे कमीशन ने समय समय पर सरकारी मुलाजिमों के हक के लिए निर्णय किए हैं और हिंदुस्तान की सभी सरकारों ने ये जो बातें आती है उसका पालन किया है, लागू किया है। सरकारी मुलाजिमों को उनके हक के पैसे दिए गए। भाइयों बहनों, महंगाई बढ़ी, 4th पगार पंच यानी बाबा आदम के जमाने में हुआ था, आज 7वां पगार पंच आ गया। लेकिन मेरे त्रिपुरा के पुलिस, मेरे त्रिपुरा के होमगार्ड, मेरे त्रिपुरा के मुलाजिम, क्लार्क हो, ड्राइवर हो, प्यून हो, अभी भी 4th पगार पंच पे गुजारा कर रहे हैं। भाइयों, अरे शर्मिंदगी होनी चाहिए कम्युनिस्टों को। आप जो आपके हाथ पर है, जो त्रिपुरा के लिए मेहनत करने वाले मुलाजिम है, उनका शोषण करते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? आप मुझे बताइए भाइयों, ये सरकार में काम करने वाले हमारे जो मुलाजिम है उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको 7वां पगार पंच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या 4th पगार पंच पर उनको जीने के लिए मजबूर किया वो उनके साथ अन्याय है कि नहीं है? अब उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई बहनों, में आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के सभी सरकारी मुलाजिम को 7th पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। ये हमारी टीम ने घोषित किया है और इसीलिए, और ये हमने 4 महीने पहले किया, कहा था हम किए करेंगे। अगर इमानी सरकार में ईमानदारी होती, आचार संहिता तो अभी आई, इसके पहले लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अहम तो यहां सबसे बड़ी कठिनाई ये है, ये कम्युनिस्टों का अहंकार भी 7वें आसमान पर पहुंचा है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन ना बने इसके लिए नहीं है, किसकी सरकार बने किसकी ना बने इसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में त्रिपुरा का भाग्य बदले या ना बदले इसके लिए चुनाव है। आपके 25 साल बर्बाद हो चुके हैं, त्रिपुरा बना 2022 में 50 साल होंगे, आप गोलमेज भी बनाएंगे। 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, भारत हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मना होगा। आपका त्रिपुरा 2022 में त्रिपुरा निर्माण के 50 साल मनाता होगा। भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए, ये गोल्डन जुबली आपके सपनों को पूरा करने वाली गोल्डन जुबली हम बना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया है, जो माताएं बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए मजबूर है उनको गैस का चूल्हा पहुंचाना, मुफ्त में पहुंचाना, ये बीड़ा उठाया है और यहां लाखों की तादाद में लोगों को गैस के चूल्हे पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी अनेक घर ऐसे हैं कि जिसमें बिजली नहीं है, 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। त्रिपुरा जैसा राज्य 20 साल से राज कर रहे हैं, 26 गांव ऐसे निकले कि जहां पर बिजली का खंभा भी नहीं था, 18वीं शताब्दी में लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। त्रिपुरा में अब तक 26 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा नहीं लगा था। हमने दिल्ली से बीड़ा उठाया, फरमान किया, मैं एक एक गांव को बिजली पहुंचाऊंगा और आज मुझे संतोष है कि मैंने उन 26 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब गांव में बिजली पहुंची, अब मुझे घरों में पहुंचानी है। गरीब से गरीब होगा
मुफ्त में उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और इस देश में 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत हम बिजली का कनेक्शन देने वाले हैं। त्रिपुरा के हर घर में बिजली का कनेक्शन होगा। भाइयों बहनों, हमारा सपना 2022 जब आजादी के 75 साल हो, जिन सपनों को आजादी के दीवानों ने देखा था उन सपनों को पूरा करने के लिए 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार के पास कितना ही गरीब क्यों न हो उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी अपनी छत होनी चाहिए। ये घर बनाने का हमने बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, इनको हमने मकान बनाने के लिए पैसे दिए, इसका भी वो उपयोग नहीं कर पाए, गरीबों के लिए घर नहीं बना पाए, पैसे पड़े रहे हैं। भाइयों बहनों, हम गरीबों को घर, गरीबों के घरों में बिजली, हम विकास की सारी आवश्यकताएं जो सामान्य मानवीय की होती है उसको पूरा करने के लिए संकल्प करते हैं। अभी हम एक योजना लाए हैं, भारत सरकार आयुष्मान भारत। अब लोग उसको आयुष्मान भारत तो नहीं कह रहे, मोदी केयर कह रहे हैं। हमने एक ऐसी इंश्योरेंस व्यवस्था लाने का निर्णय किया है कि गरीब से गरीब परिवार अगर उसके घर में कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया और बहुत बड़ा भारी खर्चा हो गया, एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत ये निर्णय लिया है कि इन सब का इंश्योरेंस निकाला जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा भारत सरकार भरेगी और गरीब परिवार में कोई गंभीर बीमारी आई और साल भर में उस परिवार को 5 लाख रुपया तक का अगर बीमारी का खर्चा हुआ तो 5 लाख रुपये तक का खर्चा भारत सरकार इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको दे देगी, उसको 5 लाख रुपये तक खर्चा नहीं करना। भाइयों बहनों, हम विकास के लिए समर्पित, विकास यही हमारा मंत्र है और लोकतांत्रिक मार्ग से सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, न शहर और गांव में भेदभाव, न पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर भेदभाव, न बड़े और युवा के अंदर भेदभाव, न स्त्री और पुरुष में भेदभाव, न जाति जनजाति में भेदभाव, न संप्रदाय में भेदभाव। सारा त्रिपुरा एक, सभी त्रिपुरावासी एक और सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव प्रचार अभियान की मेरी आखिरी सभा, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव मेरे विधायक उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं, मैंने देखा है ये चुनाव त्रिपुरा की जनता लड़ रही है और सरकार के खिलाफ लड़ रही है, सरकार के खिलाफ लड़ रही है। भाइयों बहनों, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। अच्छी अच्छी सरकारें जनता जनार्दन जब जाग जाता है, जनता का मिजाज बदलता है, अच्छी से अच्छी सरकार भी ध्वस्त हो जाती है। और मुझे विश्वास है 3 मार्च को इस समय पूरा त्रिपुरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आनंद उत्सव में पुलकित होगा, क्योंकि देश में से ये आखिरी झंडा समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, भारी मतदान करें, सुबह से करें, उनको मौका मत देना। बहुत बड़ी मात्रा में सुबह ही पोलिंग बूथ पे आके खड़े जाओ और मोबाइल फोन पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिल्म उतार लो, डरेंगे भागेंगे। और भारी मतदान करो, नियम बनाओ, पहले मतदान फिर जलपान।
पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे। मतदान किए बिना जलपान नहीं करेंगे और भारी मात्रा में मतदान करके एक नई सरकार बनाइए, नए त्रिपुरा के लिए बनाए, इसी एक अपेक्षा के साथ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करिए, चलो पलटो, चलो पलटो, चलो पलटो, चलो पलटो, चलो पलटो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।